रिच अपनी टीम को दिला दी, बट फ्लाइंग नियो इज अंडर दैट थ्री स्टोरी। अब देखते हैं क्लच को नॉक डाउन होता है कि नहीं, बट सामने से अच्छा खासा उन्होंने काउंटर अटैक लिया जरूर, बट अब देखते हैं द फ्लाइंग नियो Oh my God. ये किस तरह से फाइटिंग आले, बिकॉज उनकी जो एक पोजीशनिंग थी, अब जंपर को उन्होंने फंसा लिया है, फ्रेडो को अभी बाहर रखो जब तक वो ग्रेनेड पुल करते हैं, उनको भी बाहर रखो। अब क्लच गॉड अगर नॉकडाउन निकाल दे फ्रेडो को, दैट विल बी अ प्लस वन, बट जंपर को आपको निकालने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नियो की छलांग एक बहुत बेहतरीन छलांग यहां पर थी, फ्रेडो सीधे में जंपर लेकिन टीम भी ले रहे हैं। सी गॉड ने मैन परांग को डाउन कर दिया है, क्लच गॉड डाउन हो चुके फ्रेडो के द्वारा, ऊपर आने की यहां पर कोशिश रह सकती है जंपर के एरिया के पास, लेकिन यहां पर फाइट हो चुके स्टेज के एरिया में। नियो डाउन हो चुके फ्रेडो के द्वारा, अब यहां पर सी गॉड ओपनिंग से एक ओपनिंग बाहर से एक ओपनिंग निकालना चाहते हैं, लेकिन फ्रेडो अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स धीरे धीरे यहां पर बिखर जरूर रहे हैं, और यूडू के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट निकालते हैं, इस बार यहां पर पंच करते हैं यूडू के प्लेयर्स जिस तरीके सिचुएशंस बन रही हैं। एंड आप देखिए जंपर इज आउट देयर, इस एरिया में जॉनथन भी बचे हुए, जॉनथन इस फाइट का कोई हिस्सा नहीं चाहेंगे और वापस से पीछे के।